महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है। बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में इस वक्त ये बैठक चलती हुई और बैठक में बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारियों की मौजूदगी है। लोकसभा चुनाव के बाद विनोद तावड़े एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक इसे कह लीजिए जो करते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। इसी बीच बड़ी खबर ये कि बैठक से अचानक से सम्राट चौधरी जो हैं वो निकलकर बाहर चले जाते हैं। बैठक से निकलकर वो सीएम हाउस पहुंचे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महत्वपूर्ण मसले पर अब चर्चा जो है वो भी की जा रही है। ये भी बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई और संवाददाता शैलेंद्र हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक तरफ ये समीक्षा बैठक महत्वपूर्ण हो जाती है, इस बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान कहां खामी रह गई, कैंडिडेट क्यों हार गए, इस पर तो चर्चा हो ही रही है, लेकिन सबसे पहले जरा ये बताइए कि सम्राट चौधरी इस बैठक से निकलकर मुख्यमंत्री तक क्यों पहुंचे हैं। तो हम अपने सहयोगी से जुड़ने की कोशिश करेंगे और ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां बीजेपी के लिए ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, विनोद तावड़े खुद जब इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हो, समीक्षा बैठक की जा रही हो, वहां से अचानक से सम्राट चौधरी क्यों निकलकर सीएम हाउस पहुंचे हुए। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद विनोद तावड़े की तरफ से ये समीक्षा इसलिए भी की जा रही है क्योंकि बीजेपी हमेशा से गलतियों को दुरुस्त करने की तरफ कार्य करती है। कहां खामी रह गई, उस खामी को कैसे दूर किया जाए, आगामी विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं 2025 में, उस दृष्टिकोण से भी बीजेपी खामियों को दूर करने पर अब फोकस कर रही है। और हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, मेरा सबसे पहले तो यही सवाल कि विनोद तावड़े जब समीक्षा बैठक कर रहे हो तो सम्राट चौधरी इस बैठक से निकलकर नीतीश कुमार से मिलने किस वजह से पहुंचे हैं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इस बैठक में बिहार सरकार के भाजपा कोटे के जितने मंत्री हैं वो मौजूद थे और साथ ही साथ जो भाजपा के जो पदाधिकारी हैं, प्रदेश पदाधिकारी, वो लोग भी उस बैठक में मौजूद थे। दोनों डिप्टी सीएम भी थे, लेकिन अचानक मुख्यमंत्री आवास से फोन आता है और सम्राट चौधरी बैठक से निकल जाते हैं और सीधा सीएम हाउस पहुंचते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री आवास पर सम्राट चौधरी आए दिन जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बीजेपी की एक महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी उस बैठक को छोड़ करके वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ जो गंभीर मसले हैं उस पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा बुलाया गया है। और दूसरी तरफ यदि बीजेपी बैठक की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद की जो परिस्थितियां हैं या फिर समीक्षा कह लें, तो इसको लेकर के विनोद तावड़े आज सुबह से ही पार्टी के अलग अलग नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं, उनके साथ बातचीत की। उसके बाद जो चुनाव हार चुके थे, जो प्रत्याशी लोकसभा का चुनाव, उन लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। जो नहीं आए उनसे फोन पर बात भी की है उन्होंने। और अब इस वक्त जो बैठक चल रही है उस बैठक में बिहार सरकार के भाजपा कोटे के सभी मंत्री मौजूद हैं, प्रदेश पदाधिकारी मौजूद हैं। ठीक, शैलेंद्र जरा आप ये बताइए कि जब ये बैठक हुई, चूंकि हार के कारणों की भी समीक्षा की गई होगी कि आखिर कौन कौन, जिन जिन सीटों पर हम हार गए वहां पर कारण क्या रहे और उसके लिए कारक कौन कौन से रहे जिसकी वजह से ये सीट हमें लूज करनी पड़ी, क्या अब इस समीक्षा बैठक के बाद कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। देखिए बिल्कुल इन्हीं बातों पर चर्चा हो रही है कि आखिर चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा या फिर जहां कठिनाइयां हुई, उन तमाम चीजों को लेकर के विनोद तावड़े सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक भी होनी है, उस बैठक की तैयारियों को लेकर के भी इसमें चर्चा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, देखिए दो तीन मुद्दे होते हैं जब इस तरीके की बैठक होती है। जून का महीना है, हमेशा मंत्रियों पर आरोप लगता है जून के महीने में ट्रांसफर पोस्टिंग का, तो इन चीजों पर बीजेपी की किरकिरी न हो। लोकसभा चुनाव के दौरान जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई, क्यों हार हुई, कारण क्या रहा, उसके बाद सरकार के कामकाज में किस तरीके से जो भाजपा का जो एजेंडा है उस एजेंडे के अनुरूप काम किया जाए, इन तमाम चीजों पर इस वक्त बातचीत हो रही है। लेकिन इसी बातचीत के क्रम में, चूंकि महत्वपूर्ण बैठक है, सारे लोग इसमें जो पार्टी के बड़े चेहरे मौजूद हैं, अचानक मुख्यमंत्री कार्यालय से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को फोन आता है और वो बैठक छोड़कर मुख्यमंत्री आवास चले जाते हैं। जाहिर सी बात है कि कई मुद्दे हो सकते हैं, विधानसभा का मॉनसून सत्र, और आज ही सम्राट चौधरी ने यह बयान भी दिया है कि नीट परीक्षा में जो धांधली हुई, गड़बड़ी हुई,
और आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, उनको लेकर के एक कानून भी बनाया जाए, तो कई मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर के सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस वक्त बातचीत हो रही है और बीजेपी कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक जिसमें संगठन और चुनाव के बाद की रणनीति पर चर्चा हो रही है। जी, इस बैठक को शैलेंद्र, क्या हम आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी देखें, क्योंकि बीजेपी हमेशा से 365 दिन काम करने वाली पार्टी के तौर पर अपने आप को दिखाती रही है। वो हमेशा से खामियों को जल्द से जल्द कैसे दुरुस्त किया जाए, कहां कमी रह गई उसे कैसे खत्म किया जाए, इस पर फोकस रखती है, और इस दृष्टिकोण से भी इस बैठक को खास माना जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, क्योंकि यदि हम भाजपा की बात कर लें तो भाजपा में लगातार बैठक चलती है और हमेशा चुनाव की तैयारियां वहां होते रहती हैं, और ऐसे स्थिति में लोकसभा के चुनाव बिहार में जब के बाद जब विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि जो विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं और जो गलती लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने की, वो गलती विधानसभा के चुनाव में न दोहराई जाए, इस बात पर जरूर बीजेपी मंथन कर रही है। और कहीं ना कहीं तमाम बैठकों में इस बात पर भी चर्चाएं हो रही हैं कि जो गलती लोकसभा में हुआ है वो गलती विधानसभा में नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार के चयन से लेकर के तमाम चीजों को काफी बारीकी से देखने की तैयारी चल रही है। और बिल्कुल, और देखना होगा शैलेंद्र की जब इस बैठक के बाद क्या किस तरीके का बदलाव नजर आता है, क्या बदलाव होता है, तो उस बदलाव के पीछे क्या पार्टी ने बहुत मंथन किया है और देखा है कि भाई लोकसभा चुनाव में जो सीटें हमने लूज कर दी उसके पीछे क्या वजह महत्वपूर्ण रूप से सामने आई। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी के लिए, और तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर क्योंकि एक तरफ तो विनोद तावड़े की तरफ से महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक चल रही थी और उसी बैठक में अचानक से डिप्टी सीएम, हालांकि दोनों डिप्टी सीएम उस बैठक में मौजूद थे जब समीक्षा बैठक चल रही थी, उस बैठक में सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को फोन आता है सीएम हाउस से, और उसके बाद वो इस बैठक से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचते हैं, उनसे मुलाकात होती है, और ये माना जा रहा है कि बिहार बीजेपी की ये जो महत्वपूर्ण बैठक है सिर्फ बीजेपी के लिहाज से यहाँ पर बातचीत नहीं हुई, बातचीत आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भी हुई। पिछली लोकसभा की सीटें जो लूज की गई हैं, उन सीटों को लूज करने के पीछे की क्या वजह रही, कैंडिडेट के चयन में किस तरह की खामियां या गलतियां रह गई उसे दुरुस्त करने पर भी चर्चा की गई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा खुद सम्राट चौधरी के स्तर पर की गई है। इंडिया अलायंस की महत्वपूर्ण